अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू दी मलिक्स वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो ये बताएं, आपका ये न्यू ईयर कैसे गुजर रहा है? कैसे? मेरा तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा गुजरा, जैसे कि आप सबको पता था और पता होना भी चाहिए। जिसको नहीं भी पता ना, वो जाके रिसेंटली मेरी जल्दी से जाके वीडियोस वगैरह आप देख लो, ठीक है? साथ में लाइक भी कर लो, सब्सक्राइब भी कर लो, बेल आइकन दबाओ। वो जो रेड सा ऑप्शन है ना, उस पे आपके हाथ में जो आता है, चप्पल आता है, पतीला आता है, कटोरा आता है, यार जो भी आंदन है ना, उस बटन दो ते सटो, जुतियां सटो को, उस बटन नु दबाओ तुसी, ठीक है? हाँ, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो आपको ऊपर नोटिफिकेशन आ जाए, ठीक है? क्योंकि क्योंकि आपको दबाना चाहिए यार। ऐसे सब्सक्राइबर्स तो मुझे नहीं चाहिए ना कि आप लोग बस सब्सक्राइब करके आप लोग गायब हो जाओ। भाई, आप हमें पूरा देखो, पूरा सपोर्ट चाहिए हमें। तो आज ऐसा सीन है कि फंक्शन है यूनिवर्सिटी में, ठीक है? कॉन्सर्ट है, खमाज बैंड अरसलान, हाँ उनका कॉन्सर्ट है। तो वो तो नाइट टाइमिंग में, डे टाइमिंग में कुछ स्टॉल्स वगैरह और कुछ म्यूजिक सिस्टम होगा, ठीक है? तो अभी कटिंग शटिंग करा लिया जरा सा, शशके भी तो दिखाने हैं ना यार, लोगों को शशके भी तो दिखाने हैं ना, जरूरी होते हैं शशके। और आगोई का ना दचा दकस्ता रकीबान में मुंडीर दिया खुआ दी खुआ कसान मुंडीर दिनो ब्या खुब वर्तजान बराबर है का ना नो खो पोई का ना। तो जाते हैं, वही ट्रेनिंग के बाद ही जाएंगे स्टेडियम की, क्योंकि ट्रेनिंग मस्ट है, ट्रेनिंग में नो कम्प्रोमाइज़, वो मेरी जान, उसमें नो कम्प्रोमाइज़। तो फिर आपसे मिलते हैं यूनिवर्सिटी में, स्टे ट्यून। और ये जो आप पीछे आवाजें सुन रहे हो ना, ये पीछे मेरा निकम्मा कजन पबजी खेल रहा है, पबजी। अच्छा, सबसे मेन बात जो मैंने आपसे शेयर करनी थी वो ये थी कि भाइयों बहनों, मेरा जो अकाउंट है ऑफिशियल, वो एक ही इंस्टाग्राम अकाउंट है, उसका यूज़र नेम आपको वीडियो के स्टार्ट में भी और लास्ट में भी आपको मिल जाएगा। और फेसबुक का भी मेरा एक ही अकाउंट है, ठीक है? और टिकटॉक का भी मेरा एक ही अकाउंट है। तो काइंडली अगर मेरी पिक्चर्स, मेरी वीडियोस कोई कुछ भी यूज़ करता है, आपसे बात करता है, तो ये फेक है, ठीक है? आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, क्योंकि काफ़ी बहुत ही ज़्यादा मैंने खुद देखी आईडीज़ वगैरह, टिकटॉक पे भी 15-20 मैंने खुद देखी हैं, फेसबुक पे भी, इवन इंस्टाग्राम पे भी। तो काइंडली जो भी यूज़ करता है, खैर है आप यूज़ करते भी हो तो आप एज अ फैन पेज बना लो, क्योंकि मैं फिर जिसको भी डीएम करूं कि भाई आपने मेरी क्यों पिक्चर्स लगाई हैं, तो यही कहते हैं कि यार भाई हम फ़ैन हैं, ब्ला ब्ला। तो फ़ैन ऐसे नहीं चलते कि आप लोग उठा के बिना परमिशन के किसी की भी आप लोग पिक्चर अपने अकाउंट में डाल लो, क्योंकि इंसान है, बहुत मसले बनते हैं। और ज़्यादातर तो मैंने पूछा तो लड़कियों को ही पटाने के लिए यूज़ करते हैं। तो बात यह है कि मेरा कोई भी एक्स्ट्रा अकाउंट्स मेरे नहीं है, ऑफिशियल्स अकाउंट है मेरे एक एक, ठीक है? तो आप उसी पे मुझसे रابطہ करें, उसी पे आप मुझे फॉलो वगैरह जो भी कर सकते हैं करें, ठीक है? और हाँ, तो दूसरी मेन बात इम्पोर्टेंट ये थी, मैंने काफ़ी लोगों से डिस्कस भी किया, उन्होंने भी मुझसे, मेरे दोस्तों ने डिस्कस किया इसी बात के बारे में। देखिए, आप कभी भी किसी की पर्सनैलिटी को खुद पे हावी ना करें। क्यों? क्योंकि आप खुद में बेस्ट हैं, ठीक है? ठीक है, फैन क्रश वगैरह हर कोई किसी का फैन होता है, ठीक है, वो बात ठीक है। लेकिन फिर इसमें दो चीज़ें आती हैं, आप किसी को अगर कॉपी कर रहे हो, नेगेटिव कर रहे हो या पॉजिटिव कर रहे हो। अगर पॉजिटिव कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नेगेटिव कर रहे हो तो यह आप अपने दिल में बुग़स पैदा कर रहे हो, अपने ज़मीर को आप गंदा कर रहे हो। तो काइंडली अगर आप किसी को कॉपी करते भी हो तो कम से कम पॉजिटिव वे से करें, ठीक है? ये ना कि आप जेलिसी में आके उसने अगर ये चीज़ पहनी है तो मैं ये चीज़ पहन के कैसा लगूंगा। और वो कहते हैं ना, और कुछ लोग तो ऐसे हैं, मेरा एक्सपीरियंस है, फील्ड्स में आते जाते रहते हैं लोग इधर उधर,
शक्ल शक्ल की तरह नहीं होती, ठीक है, अल्लाह बड़ी बात से बचाए, शक्ल शक्ल की तरह नहीं होती, ऐसे प्रिटेंड करते हैं जैसे कि बस रात का कुत्ता और दिन का राजा। आई नीड न्यूज बट आई डोंट नो, आई सी दिस न्यूज बट ओ वजन इतने इतने और कुछ तो कोई चिड़ी की तरह होते हैं और पता नहीं गा कितो कितो आंदे नो कहंदे ना नक ते ना मथा ते मैं भी गुड़ी उड़ा सा। मतलब के ना नाक ते ना कान और बस जो हूँ तो मैं हूँ, तो भाई इन चीज़ों से कोई भी किसी को भी फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। आप अपनी नेचुरली पर्सनैलिटी को जब क्रिएट करोगे ना तो मुझे लगता है कि शायद हर कोई आपको कॉपी करेगा। अब ये ना कि आप किसी को कॉपी कर भी रहे हो तो वो नेगेटिव वे से और जेलिसी में, तो ये बहुत ही गंदी बात है और बुरी बात है जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, ठीक है। बाकी मेरे दोस्त हैं जो भी हैं, तो आप किसी से भी इम्प्रेस ना हो, ठीक है, होते हो तो पॉजिटिव वे से हो जाओ, ठीक है। अपनी पर्सनैलिटी खुद क्रिएट करो खुद, कि लोग इम्प्रेस हों, वाओ इसकी पर्सनैलिटी देखो, मतलब दाद दाद देने के बजाय तो वो कोई रह ही ना सके। खाम खा आपके लिए एक दो अल्फाज होने चाहिए, तो काम करें अपनी खुद की पर्सनैलिटी पे, अपने स्किल्स में, क्योंकि जो इंसान जिस स्किल्स में बेस्ट होता है ना तो उसी के नाम से वो याद किया जाता है। तो आप वर्क करें और मेहनत करें अपने अपनी फील्ड में जो भी हो, अपने एहसासात के साथ सीरियस हो जाएं, ठीक है। जो बंदा अपने एहसासात अपनी फीलिंग्स के साथ सीरियस नहीं हो सकता ना, तो वो दुनिया में किसी की चीज़ किसी चीज़ के साथ भी सीरियस नहीं होता। यही आप लोगों का टाइम है, आप लोग मेहनत करो जो भी करना है, जो भी जिस फील्ड में है, ठीक है। क्योंकि जब टाइम गुजर जाता है फिर हम हाथ पे हाथ रख के बैठ जाते हैं, यार काश हमने उस टाइम पे ऐसा किया होता। तो मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस है, मैंने काफ़ी टाइम अपना वेस्ट किया, काफ़ी टाइम, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट किया। अब जब मुझे एहसास हुआ, अब खैर मेरी एज भी इतनी ज़्यादा नहीं है, मेरे लिए काफ़ी टाइम पड़ा हुआ है। तो काइंडली आप लोग भी जो हो अपना टाइम बिल्कुल भी वेस्ट ना करो, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो टाइम, ठीक है। आप लोगों को अगर चांस मिलते हैं आप उसको अवेल करो अपने लिए, ये ना कि वो बस ठीक है चलो जाने दो, क्योंकि किसी किसी को लाइफ में चांस मिलते हैं। तो अल्लाह आप सबको कामयाब भी करे और अच्छी अच्छी पोस्टों पे, अच्छी अच्छी जगह पे आप लोगों को अल्लाह इवन गवर्नमेंट जॉब दे और अपना बिज़नेस वगैरह जो भी, ठीक है। बाकी मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं है बिज़नेस वगैरह, क्योंकि अभी मेरी पहुंच से वो बहुत दूर है ना। तो अभी बातें बहुत हो गई, तो जाते हैं, फिर आपसे यूनिवर्सिटी में मिलते हैं। बाय बाय। A few moments later. जी तो भाई हम पहुंच गए हैं यूनिवर्सिटी, बहुत ज़्यादा इंजॉय किए, बहुत ही ज़्यादा इंजॉय किए, और लेकिन गर्ल्स बहुत ज़्यादा थी ना, तो इस वजह से मैंने वीडियोस स्टॉल्स वगैरह की नहीं लगी, क्योंकि बुरी बात है किसी को परमिशन होती है किसी को परमिशन नहीं होती। तो अभी कुछ देर में कॉन्सर्ट स्टार्ट होने वाला है, तो आपको कॉन्सर्ट्स की वीडियोज़ बताते हैं, ठीक है, कि इंजॉय किस तरह हो रहा है और किस तरह नहीं हो रहा। तो खैर आज के लिए यही काफ़ी है। अच्छा तो ये अभी हम जाते हैं स्टॉल्स के पास, क्योंकि स्टॉल्स वगैरह ख़त्म हो गए हैं, रश ख़त्म हो गई है, तो देखते हैं कुछ बचा कुचा हो, जो भी हो, तो फिर हम खाते हैं पीते हैं, क्योंकि सुबह से बहुत ज़्यादा भूख लगी है। तो अभी देखते हैं क्या हिसाब है क्या हिसाब नहीं है। ये सूप है, बहुत ही टेस्ट तो अच्छा लग रहा है, मसाले वगैरह अपने लिए डाल लें, ठीक है सर। ये बना लो आप जी। थैंक यू थैंक यू, हाउ क्यूट। और भी चाहिए, सिर्फ ये है कि आपने पीना नहीं, बस एक ही चाहिए।
ये वॉलेट में से पैसे दे दिए क्योंकि आपको पता है ना कि सूप मेरी बहुत बड़ी कमजोरी है, बहुत बड़ी कमजोरी है। दुनिया में कुछ ना हो सूप हो चल ना बना भी लूँ। तो ये बन गया है मजेदार सा, 50 रुपए का सूप का टेस्ट बहुत ही अच्छा। कसम से ना, अगर सूप का टेस्ट अच्छा ना भी हो ना तो मेरी तरफ से हर एक बंदे को 100 में से 100 मार्क्स। पीछे आपके बहुत बड़ी आवाम आ रही है। ओ डीजे वाले देख रहे हैं ना, वो ऐसा इसने नचाया है। एक और कमजोरी आपकी, ये भी मेरी कमजोरी है, लेकिन आज मैंने अपनी कमजोरी किस तरह जाहिर की है ना। वो तो आपकी शक्ल से भी नजर आ रहे हैं, कमजोरी नहीं पावर थी। पावर भी कैसे, फैंस भी आपके पीछे आ रहे हैं। कौन से साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। आप देख सकते हैं कि सब कुछ खत्म हो चुका है, आपके भाई के लिए कुछ भी नहीं बचा। और सबसे बड़ी बात ये देखें, खा पी के ना इन लोगों ने बिल्कुल ही इस तरह फेंक दिया है, जो कि बहुत बुरी बात है। तो लेकिन चलो बस, मड़ा जो भी है हमारा क्या काम है, गवर्नमेंट का माल है, गवर्नमेंट साफ करेगी। लेकिन बस एक एडवाइस होती है ना जो देनी पड़ती है। तो अभी तो तकरीबन आप देख सकते हैं सब कुछ ख़त्म है, हमारी भी कोई अभी जी हमारी भी कोई वीडियो बना दे। ये कुछ गर्ल्स हैं फैन है, वो कैमरे में आना चाहती हैं, लेकिन बिल्कुल हम आपके फैन नहीं आना चाहती हैं, लेकिन मैंने बोला यार अभी नहीं, क्योंकि वो जो मेरी थोड़ी सी इमेज है ना वो खराब हो जाएगी ना, यू नो इमेज बढ़ जाएगी, खराब नहीं होती। दूर रखना चाहिए लड़कियों को खुद से, 2 फुट दूर। हमें पता है कि आप कितने 2 फुट दूर रखते हैं लड़कियों को। कमाइला बाबू भैया से डायरेक्ट बाबू, तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। एक्सक्यूज मी, इज्जत दे रही है कि बेइज्जती हो रही है। लेकिन आप लोगों को पता है मैंने आज तक कभी ऐसा काम किया नहीं है, ठीक है, कैमरे के आगे बिल्कुल नहीं किया, कैमरे से पीछे सब कुछ किया। तो अभी कुछ देर में कॉन्सर्ट स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद देखते हैं, थोड़ा सा डांस करेंगे, ठीक है। पैसे दिए मैं टिकट के, इतने जल्दी कैसे जाएंगे? 200 रुपए 200 रुपए नहीं, पूरे 500 रुपए है, 50 रुपए टिकट स्टॉल का था। तो कसम से बहुत ही ज्यादा फन किया, लेकिन अफसोस ये बात है कि आपके लिए मैंने ये जो स्टॉल वगैरह के लिए हाँ जाते हैं ठंडा, और तो इनकी वीडियोस मैंने नहीं डाली क्योंकि गर्ल्स वगैरह बहुत थी, फिर बुरा लगता ना। तो अभी ये रश कम हुए तो मैंने सोचा तो हमने लिया है पिज्ज़ा 2 स्लाइस 150 का, तभी है तभी। लेकिन ये लड़कियों की फरमाइश है, उनके लिए हमें तो ये चीज़ें लड़कियों के लिए खाती हैं, लोगों से लड़कों से खाती हैं, बड़ी तेज होती हैं, धूप भी बहुत पड़ रही है ना खाए यार। एक्चुअली मेरे मुझे माँ बाप इतने फालतू पैसे नहीं देते, ठीक है। तो टेस्ट करते हैं कैसा है, इसी तरह टेस्ट करते हैं। ये मेरे वाले से ना लो, ख्याल करें प्लेट ही ना खाएं, चलिए बहुत अच्छा लग रहा है। तो बस देखते रहे मुझे, प्यार करते रहे मुझे इसी तरह। फिर मिलते हैं आपसे, बहुत से लोग प्यार करते हैं, नहीं भी करते, लेकिन शुक्रिया आपके प्यार के लिए, कोई मानता है। ओके बाय, फिर आपसे मिलते हैं 5 मिनट बाद कॉन्सर्ट में, बाय बाय। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, बात
बाय बाय टाटा गुड बाय गया। जी तो हम पहुंच चुके हैं वापस घर। सर्दी बहुत ज्यादा है यार, मेरा तो गला बैठ गया चीखे मार मार के कॉन्सर्ट में। अच्छा आपने स्टार्ट में व्लॉग आप लोग देख लोगे ठीक है, तो मेरी कोशिश ये है कि डेली रूटीन पे मैं डेली इवन डेली व्लॉग बनाऊं, लेकिन असल में मेरी रूटीन जो है वो सेम है ठीक है, क्योंकि फालतू इधर उधर जाना मुझे अच्छा नहीं लगता ना, क्योंकि जब सुबह होती है तो ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग के बाद अपनी स्टडी वगैरह ठीक है इंस्टीट्यूट,
उसके बाद फिर वापस घर आना, फिर रेस्ट करना प्रॉपर, क्योंकि जो मेरी फील्ड है, जो मेरी गेम है ना, उसमें प्रॉपर रेस्ट, प्रॉपर हर एक चीज़ चाहिए। ये अगर बैडमिंटन मेरी लाइफ में ना होता तो शायद हर हफ्ते ना पाकिस्तान के किसी शहर में आप लोग मुझे नमूदार देखते। बहरहाल कोशिश मेरी यही है कि मैं कम से कम हफ्ते में एक व्लॉग बनाऊं ज़रूर। खैर बाहर इधर उधर ना जाऊं, आपके साथ कुछ बातें शेयर करनी होती है कुछ भी, तो अभी आप जाके जब देख लोगे लाइक भी कर दो, सब्सक्राइब भी कर दो, कमेंट भी कर दो, और दुआओं में याद रखें, ठीक है, कि अल्लाह पाक मुझे भी बस अपनी फील्ड में कामयाब करे, अपने इरादों में कामयाब करे, और अल्लाह पाक आपको भी बहुत सी खुशियां अता करे, आपके छोटे छोटे अरमान पूरे करें जो कि सब के होते हैं। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, और हमेशा दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।